देखिए, मैं तो एक क्षेत्र में आया हूँ, लेकिन जो हवा है वो तो यही बताती है भाजपा जब तक के मोदी साहब है। लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है मुझे, और आप देख रहे हो मेरे कार्यकर्ताओं में, लोगों क्षेत्रवासियों में कितना उत्साह है। दिल्ली की सरकार मगन थी सिर्फ कोरोना में भ्रष्टाचार के लिए, लेकिन पूनम जिंदल मगन थी सागरपुर की सेवा के लिए। बार नहीं, हर बार भाजपा अपना जादू दिखाएगी। चौथी बार हम जीत का चौका लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूनम जिंदल की जी की रैली डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, और अपने बीजेपी के जो जन सलाब है उसको लेके डोर टू डोर कैंपेनिंग में उतर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो महाभारत के अर्जुन थे वो यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी ने अपने सारे स्टार प्रचारक एम सिटी के चुनाव में झोंक दी है, और आम आदमी पार्टी भी अपने लगातार जोर से प्रचार कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस स्टार प्रचारकों की रैली से आम आदमियों में जो आम जनता है इसमें फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रथ में अर्जुन को बिठाया हुआ है, और ये जन सलाब निकल रहा है। और पूनम जिंदल जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक उनकी उनके पैर में चोट लगी हुई है, इसके कारण वो अपने रिक्शे में जा रही हैं, और पीछे उनके पीछे महाभारत के अर्जुन जी यहाँ पे अपना जन सलाब लेके निकले हैं। आपको बता दें कि जितने भी स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के एमसीडी के चुनावों में सारे एक्टिव हो चुके हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से लेकर जेपी नड्डा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सारे अब एमसीडी के चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। पूनम जी, आपके लिए जन प्रचार के लिए अर्जुन जी यहाँ पे आए हैं, कितना समर्थन देखने को मिल रहा है आप? आप देख रहे हो छतों पे, देखो आप, लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है मुझे, और आप देख रहे हो मेरे कार्यकर्ताओं में, लोगों क्षेत्रवासियों में कितना उत्साह है। और भाई अर्जुन जी जो महाभारत में थे वो मेरे समर्थन के लिए आए हैं, भाई मुकेश सुरयान जी मेरे समर्थन में हैं, भाई प्रद्युमन राजपूत जी मेरे समर्थन में आए हैं, भाई मेरे नारायणा से निगम पार्षद वो मेरे समर्थन में आए हैं। आप देख रहे हो आज भगवा ही भगवा यहाँ छाया हुआ है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी आज डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो तो 10 नंबर की बोली थी जी, दुर्गा पार्क में कोई कैंपेनिंग नहीं हो रही, सिर्फ ये झूठा प्रचार करते हैं ताकि लोगों में एक आशा बने, और वो आशा पे कभी भी खड़े नहीं उतरे हैं। बीजेपी एमसीडी में चुनाव प्रचार हो रहा है, अर्जुन जी यहाँ पे आए, क्यों आने चाहिए बीजेपी एमसीडी में? बीजेपी एमसीडी में इसलिए आनी चाहिए क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में काम हो रहा था तब दिल्ली की सरकार मगन थी सिर्फ कोरोना में भ्रष्टाचार के लिए, लेकिन पूनम जिंदल मगन थी सागरपुर की सेवा के लिए। जब दिल्ली में काम नहीं हो रहा था और भ्रष्टाचार हो रहा था, कोरोना के नाम पर लाखों की तरीके से हो रहा था, तब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने और बीजेपी की नीतियों ने सेवा कर कोरोना में लोगों की जान बचाई। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में थी, जो कूड़े के पहाड़ हैं वो उनका घटाव नहीं हुआ, कूड़े के पहाड़ वैसे के वैसे हैं। अगर अब आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो अपने कूड़े के पहाड़ों पे सबसे पहले 5 साल में कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। देखिए, कूड़े के पहाड़ हटाने की बात यह है लैंडफिल साइट की, जो वो बात करते हैं लैंडफिल साइट की, मैं बात मैंने पहले ही पर ही अभी भी करता हूँ, लैंडफिल साइटों को 20% तक कम करने का कार्य हुआ है, 20 फीट तक, माफ़ कीजिए, इन 20 फीट को कम करने का कार्य किया है बीजेपी ने, और आने वाले 5 सालों में इसे पूरा कम कर दिया जाएगा। जो कम करके रॉ मटेरियल को दोबारा बनाकर रॉ मटेरियल को जनता के लिए उपयोग किया गया है, भ्रष्टाचार के लिए नहीं। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जब काम गिनवाने की बात आती है कि एमसीडी में क्या काम करा है तो वो जवाब नहीं दे पाते, क्या आपके वार्ड में एमसीडी ने काम किया है और क्या काम? मैं आपको 5 काम गिना देता हूँ सागरपुर में, अगर अरविंद केजरीवाल के पार्षद प्रत्याशी में दम है तो मुझे बता दे। पहला काम, टेंट वाले स्कूल में हर बुधवार को महिलाओं के लिए और लोगों के लिए फ्री दवाइयों का उपलब्ध कराना। दूसरा काम, DDA के 10 बीघा लैंड को साफ करके वहां पर रिलीजियस क्राइंड और जन्माष्टमी के और उत्तरांचल समाज के लोगों का और रामलीला का काम कराना। तीसरा काम, 600 लाइटों का काम करा के महिलाओं के लिए सेफ करना। 400 काम, पुलिस प्रशासन को दोबारा तंदुरुस्त करके SHO को निर्देश देना कि यहां पर महिलाओं की सुरक्षा प्रथम होनी चाहिए। पाँचवा काम, छठ पूजा में भ्रष्टता वाले 2 लेंटर साइट्स को साफ करवा के दुर्गंध मुक्त कराना। आप मुझे अरविंद केजरीवाल के पार्षद बता दें कि वो क्या करेंगे? जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे पूनम जिंदल जी के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि एमसीडी में काम हुआ है और उन्होंने काम गिनवाए हैं अपने। आप देख सकते हैं कि महाभारत के अर्जुन यानी कि फिरोज खान यहाँ पे जनसलाब कर रहे हैं,
और एक महाकाफले के साथ वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव के लिए आप पूनम जिंदल जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, कैसा जनसलाभ आपको देखने को मिल रहा है? भव्य। क्या लगता है इस बार एमसीडी में फिर भाजपा आएगी? देखिए, मैं तो एक क्षेत्र में आया हूँ, लेकिन जो हवा है वो तो यही बताती है भाजपा, जब तक के मोदी साहब है। बार नहीं, हर बार भाजपा अपना जादू दिखाएगी। चौथी बार हम जीत का चौका लगा रहे हैं, दिल्ली के अंदर 200 प्लस सीट जीत करके आएंगे और चौथी बार बहुमत के साथ में भाजपा की नगर निगम में सरकार बनेगी और इस केजरीवाल का की पोल खोलने का काम करेंगे। अभी आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती आ रही है कि वो बीजेपी काम नहीं करवा पाती एमसीडी में, और 5 साल से जब उनका हिसाब मांगा जाता है तो वो हिसाब नहीं दे पाते। हिसाब तो हम केजरीवाल साहब से मांग रहे 13,000 करोड़ रुपये का, 42,000 करोड़ रुपये टोटल निगम का देना, 13,000 करोड़ SSTMC का हमने मांगा उनसे केजरीवाल साहब से, वो हमारा हिसाब नहीं दे पा रहे। तो आज जो भी दिल्ली के अंदर काम में कहीं ना कहीं अगर धीरे हुआ है तो सारा सर केजरीवाल सरकार की नाकामी थी। नगर निगम ने पूरी बखूबी से अपना पूरा अच्छी तरह से काम किया है। कूड़े के पहाड़ों का मसला उठा रही है आम आदमी पार्टी, सारा केजरीवाल सरकार की देन है। अगर उन्हें टाइम पे फंड दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। उसके बावजूद भी दिल्ली नगर निगम ने, तीनों निगमों ने पूरा कूड़ा साफ करने का काम किया और हर घर से हर वार्ड में कॉम्पैक्टर लगाने का काम किया, हर वार्ड में डिस्पेंसरी देने का काम किया। तो इतने सारे काम बिना फंड्स के अच्छे मैनेजमेंट के होते हमने करके दिखाए हैं। तीनों निगम अब एक हो चुकी है, क्या इसका असर अगर अब बीजेपी आती है तो उसका असर बीच नीचे ग्राउंड स्तर पर देखने को मिलेगा एमसीडी? हमारा मेयर जो होगा वो मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा अधिकार उसके पास होंगे, तो मुख्यमंत्री जी का कद छोटा हो रहा है इसलिए उनको घबराहट हो रही है। क्या लगता है कितनी सीटें लेके आएगी? 200 प्लस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ पूर्व मेयर सुरेंद्र जी मौजूद थे और इन्होंने कहा कि बीजेपी 200 प्लस सीटों से बहुमत लेके आ रही है, और वहीं पे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी का भी यही कहना है कि वो 200 प्लस सीटों से आ रहे हैं। अब देखना ये होगा, देखने वाली बात ये है कि दोनों ये दावा कर रहे हैं कि बहुमत हमारी होगी, पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखने वाली बात यह है कि कौन एमसीडी में बाजी मार रहा है। यहाँ महाकाफला आपको देखने को मिलेगा कि आज 7 दिन से भी कम समय का दिन रह गए हैं और सभी स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी के भी और बीजेपी के भी स्टार प्रचारक अपना कंपेनिंग में लग गए हैं। और वार्ड नंबर 118 में आज महाभारत के अर्जुन यानी कि फिरोज खान अपनी जनसभा कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और पूनम जिंदल जी के लिए अपना प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के सारे स्टार प्रचारक अब जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी गुजरात छोड़कर एमसीडी में वोट मांगना शुरू कर चुके हैं। एमसीडी के चुनाव में 7 दिन से भी कम का समय रह गया है, 4 दिसंबर को चुनाव है और अब देखना ये होगा कि वार्ड नंबर 118 में क्या अर्जुन के नाम पे वोट मिलते हैं नहीं। कैमरामैन विशाल के साथ अमृतपाल, नेशन लाइव।